ये थाना सिविल लाइन में एक मर्डर केस था, करीब 4.5 महीने पुराना। इसमें जो है बहुत अच्छा खुलासा, हमने इसको वर्कआउट किया है। और इसमें पिछले नवंबर 2015 में एक आसिफ नाम के व्यक्ति का मर्डर हो गया था, उसी पे हमने टीम लगा रखी थी। और आज जो है मैनुअल और सर्विलांस पे काम करते हुए हमने 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया। सर, किस रंजिश के तहत? इसमें जो सारी चीज़ निकल के आई है, उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, फैजुल्ला। सबसे पहले तो उससे पूछताछ में ये आया कि उनका पहला मोटिव था ई रिक्शा को लूटना, क्योंकि इन्हें मालूम चला था कि ई रिक्शा को बेचने से करीब 45-50 हज़ार रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो उस मकसद से आसिफ को उन्होंने पकड़ा था, और कोई बहस हो जाने पे उसको जो है गमछे से स्ट्रैंगुलेशन करके उसका इन्होंने हत्या कर दी थी। और इसी दौरान ये भी मालूम चला कि 2 व्यक्ति और इसके साथ में थे, और जो आसपास के मोहल्ले के रहने वाले हैं। हाँ, इसमें एक मोबाइल और 2 बैटरी की रिकवरी हुई है। और इस पर जो है हमने सर्विलांस पे काम किया था, और उसमें जो मोबाइल मृतक का, जो हमें मालूम चला था पहले से गायब था, वो मोबाइल मार्च के महीने में आके उसमें एक नया सिम कार्ड चला। जब हमने उसको टैकल किया, जो सिम कार्ड चला था, तो वहाँ से मालूम चला जिस व्यक्ति का था, उसने बताया कि ये फैजुल्ला नाम के व्यक्ति ने उसे दिया था। फिर फैजुल्ला से जब पूछताछ की गई तो उसने सारी चीज़ें जो है वो कबूल कर ली, और सारी चीज़ें विस्तार से बताई किस तरह। फिलहाल ये जो है, इन जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनके व्यक्तियों से पास सुन लिया।